गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.7, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो वायर इन्फिनाइट लेंथ के हैं, क्योंकि अगर पैरेलल स्ट्रेट वायर कहा गया है इसका मतलब दोनों इन्फिनाइट लेंथ के हैं और दोनों 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक में करंट 8 एम्पियर फ्लो हो रही है और दूसरे में 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। आपको बताना है कि फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी ए के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस की जो वायर है, अगर भाई तो इन्फिनाइट लेंथ की है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम ले लें, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो ये डेरिवेशन आप लोगों ने कर रखा है, इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर। ये डिस्टेंस का फार्मूला, मतलब ये फोर्स का फार्मूला होता है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, तो आपको यहाँ यूनिट लेंथ तो निकालना नहीं, आपको 10 सेंटीमीटर निकालना है, तो L उधर पहुँचा दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई आर इंटू L। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10^-7 2 I1 I2 यानी 8 × 5, लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो बना लीजिए इसको मीटर और डिवाइड बाई करना है आर, आर इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी बना ले मीटर। अब देखिए ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 × 2 = 10 × 2 हो जाएगा 20, ठीक है 20 और ये 0 200 × 10^-4। अब ये दो जीरो जो है इससे एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ पर दो जीरो है लगे हुए हैं, इससे एडजस्ट हो जाएंगे, -7 है और ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें एक गलत हो गया है, ये 7 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, तो ये 200 हुआ और -7। अब ये दो जीरो एडजस्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा 2 × 10^-5 न्यूटन। ये फोर्स जो है इस लेंथ पर लगने वाला बनेगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।